हेलो फ्रेंड्स, आज आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नैक्सट टॉपिक करते हैं, जोड़ा कि है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफाई का मतलब होंगे कोई भी एक्सप्रैशन दिता हो अपन जिदे एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन है उसनों आप कि सॉल्व करा सिंपलीफाई किमें करा। अगर किसी भी एक्सप्रैशन अपने को बहुत सारे ऑपरेशन है तो आप हम उसका सीक्वेंस देखांगे जिदे विच आपां ऑपरेशन्स नू एग्जीक्यूट करांगे। जे कोई भी एक्सप्रेशन है वन डबल एट डबल जीरो डिवाइडेड बाय 470 प्लस 20। हुण इस दे विच की हुंदा है, कई बार आपां कर दिंदे आ 1880 डिवाइडेड बाय इन्हां दोनों नू ऐड 490। ये वाला स्टेप बिल्कुल गलत है क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन विच आप जड़े ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं वह हमेशा बोर्ड मास के हिसाब नाल एग्जीक्यूट करने होंगे। आप तो इसनों आप किवें सोल्व करांगे, सब तो पहला आप डिवाइड करांगे फिर 20 नूं ऐड करांगे। ठीक है, ये बोर्ड मास का की सिस्टम है, बोर्ड मास के हिसाब नाल कोई भी एक्सप्रैशन है उस विच सब तो पहला बोर्ड मास विच सब तो पहला ब्रैकेट सोल्व करनी है, उस तो बाद ऑफ ऑपरेशन, उस तो बाद डिवीजन, उस तो बाद मल्टीप्लीकेशन बी ओ डी एम, उस तो बाद एडिशन, उस तो बाद सबट्रैक्शन। जिमें कि ये वाले एक्सप्रैशन डिवीजन ते एडिशन से आपने की देखा बोर्ड मास विच डिवीजन ते एडिशन विच सब तो पहला डिवीजन आता, इसलिए आप पहला डिवीजन नू सोल्व करांगे उसके बाद रिजल्ट विच ऐड करांगे 20 नू। बोर्ड मास तो हो गया, उसके बाद ब्रैकेट्स भी अगे तीन टाइप्स दी होंगी, सब तो पहला राउंड ब्रैकेट, उस तो बाद करली ब्रैकेट, उस तो बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ए इसे सीक्वेंस विच ही सोल्व करनिया ने, सब तो पहला राउंड ब्रैकेट नू आपां सोल्व करांगे किसी भी एक्सप्रेशन विच, उस तो बाद करली ब्रैकेट नू, उस तो बाद स्क्वायर ब्रैकेट नू। हुण आपां एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ी जिहा जिहदे विच बोर्ड मास इनवॉल्व हुंदा है। बोर्ड मास दे नाल नाल कई बार क्वेश्चन विच बार भी यूज हुंदा है, तो सब तो पहला बार बोर्ड मास तो भी पहला मतलब ब्रैकेट तो भी पहला आपने बार सोल्व करना है। बार सब तो पहला ऑपरेशन है जेड़ा कि किसी भी एक्सप्रेशन में एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 1/4। इसनों आप किवें सोल्व करांगे, 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू, इसनों पहला मिक्स फ्रैक्शन तो सिंपल फ्रैक्शन विच बना लें, 4 इंटू 3 12 12 प्लस 1 13/4। अपने की देखे बोर्ड मास विच सब तो पहला ब्रैकेट तो इस क्वेश्चन विच है नहीं, तो ब्रैकेट स्किप कर दो, उस तो बाद ऑफ ऑफ है गया, यदा मतलब सब तो पहला ऑफ सोल्व होगा 108 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 1/4। आपने सब तो पहले ऑफ सोल्व करना है, इसलिए इतने ऑफ का मतलब उन्हें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पाके ब्रैकेट कर लिया, ताकि सब तो पहले इनू सोल्व करिए। आप इसनों कट के कि आ गया 9, तो कि बन गया 108 इसनों कट के 9 आ गया प्लस 2/5 इंटू 13/4। हूँ की रह गया डिवीजन एडिशन ते मल्टीप्लीकेशन, उस तो बाद ऑफ तो बाद की आंदा है डिवीजन। हुण आपां डिवीजन सोल्व करांगे 108 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2/5 इंटू 13/4। इसनों करांगे सोल्व कितना आ गया 12, 12 प्लस 2/5 इंटू 13/4। हुण अपने कोल की बचा एडिशन ते मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ते मल्टीप्लीकेशन विच आपां ने पहला मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहला आप मल्टीप्लीकेशन करांगे, इसनों कट देंगे की बन गया 12 प्लस 13/10। हूँ एडिशन लैके एडिशन आप कर सकते हैं सिंपली एलसीएम लैके। इस तरह आप बोर्ड मास नाल ऑपरेशन का सीक्वेंस देख सकते हैं किमें करना है।
आप एक क्वेश्चन और देख दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर माइनस फाइव बाय वन प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर इक्वल टू, इसनों आप किवें सोल्व करांगे? सब तो पहला आप लास्ट वाला स्टेप सोल्व करांगे, वन प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय, इस दे विच की है पर सब तो पहले एडिशन होगा, एडिशन करांगे ना दी, फोर एलसीएम आ गया एट प्लस वन, एक ही बन गया फोर माइनस फाइव बाय वन प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय नाइन बाय फोर। हूँ वन बाय नाइन बाय फोर कि होंगे फोर बाय नाइन, इसमें उल्टा कर देंगे अपन, फोर माइनस फाइव बाय वन प्लस वन बाय थ्री प्लस फोर बाय नाइन। हूँ उसके बाद इन्होंने दोनों ऐड करांगे एलसीएम लाके, फोर माइनस फाइव बाय वन प्लस वन बाय नाइन एलसीएम आ गया, नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन प्लस फोर। इक्वल टू फोर माइनस फाइव ओवर वन प्लस वन बाय थर्टी वन बाय नाइन, वन बाय थर्टी वन बाय नाइन उल्टा हो जाऊ, नाइन ऊपर चला जाऊ, फोर माइनस फाइव बाय वन प्लस नाइन बाय थर्टी वन। हम दोबारा इन दोनों एलसीएम ला के सोल्व करोंगे, फोर माइनस फाइव बाय थर्टी वन एलसीएम, थर्टी वन प्लस नाइन ये कि बन गया फोर माइनस फाइव बाय फोर्टी बाय थर्टी वन, ए थर्टी वन ऊपर चला जाऊ इसमें मल्टीप्लाई ये आगे रहूगा, फोर माइनस फाइव इंटू थर्टी वन बाय फोर्टी। माइनस से मल्टीप्लीकेशन विचो आप एक डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड करांगे, फाइव एट जर फोर्टी की बन गया फोर माइनस थर्टी वन बाय एट, एक ही बन गया एलसीएम लाके सोल्व करांगे, एट आ गया अपने को एलसीएम, थर्टी टू माइनस थर्टी वन इक्वल टू वन बाय एट, तो आ गया वन बाय एट। इस विच की किया अपन ने, आप इस स्टेप विच वन प्लस वन सीधा टू बाय थर्टी वन इसलिए नहीं किया क्योंकि बोर्ड मार्क्स के हिसाब नाल सब तो पहला डिवीजन नू कंप्लीट करना होंगे, उस तो बाद ही आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सीगे सारे बोर्ड मार्क्स नाल रिलेटेड क्वेश्चन। नैक्सट वीडियो विच आप नैक्सट टॉपिक करांगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जड़ा कि है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। थैंक यू।